जादू डाइट की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, मोटापा क्यों हो जाती है। असली बात, लोगों का धारणा है, अरे नहीं नहीं मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, मेरे को तो जेनेटिक है, मैं तो कुछ खाता नहीं फिर भी वजन बढ़ गया। तो ये सारे बकवास है। मैं आपको बता दूं, होता होगा, अगर थायराइड की बीमारी है और आप दवाई नहीं ले रहे हैं तो मोटापा होगा, पर दवाई लेने के बाद थायराइड की बीमारी नल एंड वाइड हो गई, इसका मतलब थायराइड का कोई असर नहीं रहा, तो अब आप बहाना नहीं दे सकते। मैं आपको बताऊं असली चीज कहाँ पे, असली है कैलोरीज का हिसाब। हम लोग को बॉडी को चलाने के लिए हमें खाना चाहिए और उसमें कैलोरी मिलता है। हमारी बॉडी में जरूरत है एक नॉर्मल आदमी को 1600 कैलोरीज। अगर उस आदमी को हम लोग 2000 कैलोरी एक दिन में खिला देते हैं, 2500 खिला देते हैं, 3000 खिला देते हैं, तो उसका वजन बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे सर मोटा होने के लिए कौन सा खाना सबसे कॉमन है। मोटा होने के लिए सबसे कॉमन जो कारण है वो है रोटी और चावल। ये दो हमारे पूरे इंडिया भर की स्टेपल फूड है। आटा से बना हुआ कोई भी चीज़ हो, जैसे ब्रेड हो या पास्ता हो या कोई भी तरह की ब्रेड से या आटे से गेहूं से बना हुआ दलिया है, ये सब वजन बढ़ाने का काम करता है। और इधर राइस से बना हुआ सारे आइटम्स ये वजन बढ़ाने का काम करता है। तो जो आदमी आटा और गेहूं और राइस का सेवन ज़्यादा करता है उनका वजन बढ़ता है। और इसके साथ बोलते हैं सोने में सुहागा वाला बात है कि इसके संग फैट भी खाने लग जाए, तेल घी मिठाइयाँ फ्राइड आइटम्स, तो फिर तो एकदम ही बर्बादी वाली बात हो गई। तो ज़्यादातर आदमी का खाने से ही वजन बढ़ता है। लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं मैं वॉकिंग नहीं कर पाया इसलिए वजन बढ़ गया। वॉकिंग करते हैं, आपको मालूम है आधा घंटा वॉक करेंगे तो 100 कैलोरी एक्स्ट्रा, 120 कैलोरी खर्चा होगा। एक ब्रेड की स्लाइस अगर बड़ी वाली खा गए तो 120 कैलोरी खत्म। एक गुलाब जामुन में एक घंटा वॉक करना पड़ता है। तो आपको एक बार समझ लीजिए, एक फ्राइड मिठाई खा लिया, एक बड़ी अच्छी खासी चपाती खा ली या एक तंदूरी रोटी खा ली, तो आपका एक घंटे का वॉकिंग खत्म। तो एक बात याद रखिए, और उसमें अगर तेल घी डाल दिया फिर तो खत्म। आप याद रखिएगा मेन जो वजन का कारण है वो है गलत खाना। आज अगर वजन कम करने की बात करते हैं तब हम लोग बोलते हैं आप खाइए फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और इसके लिए हमने जादू डाइट बनाया। जादू डाइट में हम लोग ये सिखाते हैं कि क्या क्या खाना है जिससे आपके बॉडी में कैलोरी नहीं पहुंच सकता, और वो खाने हैं 20 रुपए के और 50 रुपए के खाने, उनको जितना खाइए। और वो खाना आपको ऑलरेडी मालूम है, जादू डाइट अगर आप सुन चुके हैं तो आपको मालूम है कि सलाद सब्जी बिना तेल वाली सब्जी और सूप, ये है लो कैलोरी का वेजिटेबल ग्रुप का फूड। और फ्रूट का है जितने भी फ्रूट है, खाली आम केला चीकू अंगूर छोड़ दीजिए, और जितने भी जूसेस हैं ये सब खाइए, सूप जरूर खाइए, ये सारा वजन गिराने का काम करेगा। पर जहाँ पे आपने रोटी और चावल का खाना, और रोटी चावल के संग बाजरा ज्वार भुट्टा ये भी इंक्लूड कर लीजिए, वो सारे अनाज है, सीरियल्स है, और सीरियल्स वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। नंबर टू इज ऑफकोर्स फैट, फैटी फूड, फ्राइड फूड। एल्कोहल से भी वजन बहुत बढ़ता है, एल्कोहल जो लोग रेगुलर लेते हैं, और उसके संग थोड़ा नट्स, ये नट्स में बहुत ज़बरदस्त कैलोरी है, 600-700 कैलोरी है। 100 ग्राम काजू में 600 कैलोरी है, 100 ग्राम अखरोट में 650 कैलोरी है। तो ये सारे नट्स, फ्राइड फूड और अनाज सीरियल्स, ये सारे वजन बढ़ाने का काम है। तो आपको रियल कारण मालूम होना चाहिए, कोई भी कुछ बहाना कर दे मैं नहीं मानता, एक ही कारण है गलत खा रहे हो। और अगर वजन कम करना है तो आपके पास बिना पैसे का डाइट है, वो है जादू डाइट, उसको जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। बहुत सारे मोटे लोग हैं, उनको विश्वास है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो एकदम प्रॉपर खाना खाता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है, आप खाने में कैलोरी ज़्यादा खा रहे हो और खा रहे थे मे बी, अब नहीं खा रहे हो, पर वजन वही का वही है। अगर वजन गिराना है तो फिर आपको जो अनाज वाले आइटम्स है उसको रिप्लेस करना होगा सलाद और सब्जी से और फ्रूट से, फिर वजन अपने आप कम होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ जाइए, लोगों को इसके बारे में बताइए। अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो वजन बढ़ना बहुत मुश्किल है। कोई भी आदमी वजन कम करना चाहता है उसको सिर्फ जादू डाइट को फॉलो करना है, और आप इसके बारे में लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच।